नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूं आपके साथ नीरज सिंह। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी की मौत का खुलासा हुआ है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नेहटा ने एक ब्लॉग के जरिए खुलासा किया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ब्लॉग के मुताबिक बोनी कपूर ने खुद घटना वाले दिन क्या हुआ था इसकी जानकारी अपने दोस्त कोमल नेहटा को दी है। श्रीदेवी इंतजार कर रही थी कि पति बोनी कपूर उनके वापस भारत आने की टिकट बदलवा दें तो वे शॉपिंग कर वापस आ जाएं। 24 साल में ऐसा दो बार हुआ था जब श्रीदेवी ने मेरे बिना ट्रैवल किया था, लेकिन इन दोनों ट्रिप में उनके साथ मेरे दोस्त की बीवी थी। इस बार श्रीदेवी दुबई में विदेशी धरती पर दो दिनों से अकेली थी। बोनी ने उनसे कहा कि वे एक मीटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन फ्री होते ही वो उन्हें जरूर कॉल करेंगे। बोनी होटल पहुंचे और डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी को सरप्राइज देने पहुंच गए। बोनी जैसे ही कमरे में पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे को किसी प्रेमी युगल की तरह गले लगाया। बोनी फ्रेश होने के बाद बाथरूम से जब बाहर आए तो उन्होंने फैसला किया कि श्रीदेवी और वो एक रोमांटिक डिनर पर जाएं। दोनों ने फैसला किया कि अब वो 24 फरवरी को नहीं बल्कि अगले दिन 25 फरवरी को वापस भारत जाएंगे। श्रीदेवी बहुत ही रिलैक्स थीं। रोमांटिक डिनर पर जाने से पहले वो नहाने गई। जब तक श्रीदेवी रेडी होती तब तक के लिए मैं लिविंग रूम में चला गया और मैच देखने लगा। लिविंग रूम से जैसे ही बोनी ने श्रीदेवी को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने श्रीदेवी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बोनी बेडरूम में गए और उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने आवाज़ भी लगाई। बोनी को अंदर से नल से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद घबराए हुए बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, जिसके खुलते ही वो चौंक गए। बाथटब पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी सिर से लेकर पांव तक उसमें डूबी हुई थी। दो घंटे पहले दिया गया सरप्राइज अब बोनी कपूर के लिए एक बहुत ही खराब शॉक में बदल चुका था। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।